सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में THR और SCM का जो न्यू ऑप्शन आया हुआ है उसको हम लोग कैसे भरेंगे, साथ ही साथ पोषण ट्रैकर ऐप में किसी गर्भवती महिला को धात्री महिला में कैसे भेजेंगे, जैसे कि उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में इन सारी टॉपिक को कवर करने वाला हूं। और कुछ आंगनवाड़ी बहनों का कमेंट भी आ रहा है कि जब हम लोग किसी लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो लाभार्थी हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको इसी के रिगार्डिंग पूरी जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से आप लोग THR और SCM भरेंगे, किसी गर्भवती महिला को माइग्रेट कैसे करेंगे, और जो लाभार्थी है वो शो नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो पोषण ट्रैकर ऐप में न्यू अपडेट आया है 20.6, उसमें अगर किसी लाभार्थी को माइग्रेट करना हो तो वो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जो पोषण ट्रैकर ऐप का ये कैटेगरी है, जैसे कि देख सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, तो हमें इस कैटेगरी को ओपन कर लेना है जहाँ से हम लोगों को किसी लाभार्थी को यानी कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को लैक्टेटिंग मदर में भेजना है। तो हमें प्रेग्नेंट वुमेन की कैटेगरी को ओपन कर लेना है। चलिए हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि किस लाभार्थी को हमें प्रेग्नेंट से लैक्टेटिंग मदर वाली कैटेगरी में भेजना है, यानी कि जिस गर्भवती महिला का डिलीवरी हो चुका है उसको हम यहां से माइग्रेट करेंगे। तो उसके लिए यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है 3 डॉट, इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे कि जो ऊपर से सेकेंड नंबर ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस गर्भवती महिला की डिटेल्स दी गई है, जैसे कि एज कितनी है, प्रेगनेंसी मंथ कितनी है, और यहाँ पे EDD यानी कि एस्टिमेट डिलीवरी डेट यानी कि संभावित तिथि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि कब तक इनका जो डिलीवरी है वो हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें माइग्रेट करने के लिए क्या करना है कि अगर डिलीवरी हो चुका है तो उसके लिए हमें यहाँ पर डेट ऑफ डिलीवरी डालनी है, जैसे कि यहाँ पर हम कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद जिस डेट को डिलीवरी हुई है उस डेट को हम लोग यहां से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे आपसे दो ऑप्शन पूछेगा कि जो डिलीवरी हुआ है वो कहां पे हुआ है। यहां पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, होम और इंस्टीट्यूशन, यानी कि घर पे हुआ है या किसी हॉस्पिटल में हुआ है, वो प्राइवेट या सरकारी कुछ भी हो सकता है। तो दो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है जहाँ पे डिलीवरी हुआ है। यहाँ पे अगर घर पे डिलीवरी होता है तो होम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अदर हॉस्पिटल में होता है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछेगा, यानी कि बच्चा जो जन्म लिया है वो लड़का है या लड़की है। दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, गर्ल और बॉय, तो दोनों में से जो भी हो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपसे दो ऑप्शन और पूछेगा, हाइट और वेट, जन्म के समय जो बच्चे का हाइट है वो कितना है और जन्म के समय बच्चे का जो वेट है वो कितना है, वो आपको यहाँ पे डाल लेनी है। डालने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही ये सारा कुछ फीड कर देंगे तो यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है जो है कि यहाँ पे दिखने लगेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो लाभार्थी है आपके लैक्टेटिंग मदर वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे का डिटेल्स है वो आप लोगों को भर के सबमिट कर देनी है। चलिए जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से जो लाभार्थी है उसको आप सबमिट कर दिए। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे वो लाभार्थी आ चुकी है और यहाँ पे बच्चे का आप लोगों को डिटेल्स भरनी है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो चिल्ड्रन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या उसी टाइम जो ऑप्शन खुलता है उस टाइम भी आप लोग बच्चे का जो है कि न्यू रजिस्ट्रेशन उसी टाइम एट ए टाइम कर सकते हैं। अगर एट ए टाइम नहीं कर पाते हैं तो फिर से दोबारा आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आके बच्चे का यहाँ पर जो डिटेल्स है उसको भर के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं अगर किसी लाभार्थी का मिसकैरेज हो जाता है, यानी डिलीवरी के टाइम जो बच्चा है वो मिसकैरेज हो जाता है या बच्चा मृत पैदा होता है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होगा जिससे कि उस लाभार्थी को इस पोषण ट्रैकर ऐप से हटाया जा सके। क्योंकि उसको आप पोषण ट्रैकर ऐप में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे उस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, जिस भी गर्भवती महिला को यहाँ से हमें मिसकैरेज वाले ऑप्शन में डालना है उसके लिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर वाले पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे टू इंटर मिसकैरेज अबॉर्शन और स्टिल बर्थ डिटेल्स, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे आप लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज के माध्यम से भी आप लोगों को दिखाया जा रहा है
कि इस प्रकार से अगर किसी बच्चे का मिसकैरेज होता है तो आप लोग इस ऑप्शन में आके उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 20 वीक पहले मिसकैरेज हो जाता है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 20 वीक पहले अबॉर्शन हो जाता है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 20 वीक के बाद अगर अबॉर्शन होता है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर कोई बच्चा मृत पैदा होता है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं फिर से आपसे डिलीवरी डेट पूछेगा कि मृत बच्चा पैदा हुआ है तो उसका डेट आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप लोग इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इस लाभार्थी को हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप में ये ऑप्शन चेंज हुए हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं, जो लाभार्थी को THR हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हमें नया ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है उसमें हम लोग कैसे उसकी एंट्री करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे होम पेज पे क्लिक कर लेना होगा। होम पेज पे क्लिक करने के बाद डेली ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आज यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, जिसके चलते आप लोगों को DHR और SCM के बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि THR और SCM की एंट्री हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में नए अपडेट में कैसे करेंगे, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने सारी जानकारी दी है कि THR और SCM की एंट्री हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोगों के द्वारा काफ़ी कमेंट भी किया जा रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो लाभार्थी हैं जिसको हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो लाभार्थी हमारे उस कैटेगरी में शो नहीं कर रहा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, कैसे उसको हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में शो करा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी न्यू लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है, जो ये क्लाउड वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं इस ऑप्शन पे आपको एक बार टच कर देना है। जो भी लाभार्थी का आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, अब नए अपडेट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे उस लाभार्थी का डिटेल्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आएंगे एक्टिविटी लिस्ट में, यानी क्लाउड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्टिविटी लिस्ट वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद उस लाभार्थी का डिटेल्स दिखाया जाएगा, यानी कि सारा डिटेल्स उस लाभार्थी का सही रहेगा, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो या जो भी लाभार्थी हो, उस लाभार्थी का डिटेल्स आप आधार के अनुसार यहाँ पे डाले होंगे, तो यहाँ पे वो लाभार्थी का डिटेल्स दिखाएगा और यहाँ पे एक एक्टिविटीज आपको देखने को मिल जाएगा, जीरो के बदले यहाँ पे एक एक्टिविटी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो स्टार्ट वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ये अभी हाइड है, जैसे ही उस लाभार्थी को आप लोग ऐड कीजिएगा तो ये ऑप्शन जो है आपका दिखने लगेगा और ब्लू कलर में आपको ये ऑप्शन दिखने लगेगा। तो आप यहाँ से उस लाभार्थी को स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस लाभार्थी को जिस भी कैटेगरी का है उस कैटेगरी में आप लोग भेज सकते हैं। तो सारा डिटेल्स सही होने के बाद यहाँ से आप उसको भेज पाएंगे। अगर उस लाभार्थी का डिटेल्स में कुछ मिसमैच होगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि उस लाभार्थी के डिटेल्स में क्या कुछ मिसमैच है, आधार मिसमैच है या नाम मिसमैच है, उसके अनुसार यहाँ पे वो लाभार्थी का डेटा शो करेगा। तो आप लोगों को इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आधार वगैरह मिसमैच कर रहा है तो फिर से आपको क्या करना है कि उस लाभार्थी का आधार का डिटेल्स जो है उसको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर उस लाभार्थी का जो डिटेल्स है वो सही हो जाएगा, सही नहीं होता है तो यहाँ पर आप लोगों को डिलीट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आप लोग उस लाभार्थी को डिलीट करके फिर से उसका न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर से वो लाभार्थी यहाँ आ जाएगा और स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस लाभार्थी को उस कैटेगरी में भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से नए ऑप्शन में आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। अगर उसके बाद भी यहाँ पे आप लोगों का वो डेटा शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से रिफ्रेश वाला जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से जो रिफ्रेश का ऑप्शन बनाया गया है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी लाभार्थी का डेटा है इस प्रकार से रिफ्रेश करके आपके पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड कर दिए जाएंगे। तो यही है अभी पोषण ट्रैकर ऐप का 20.6 का जो नया अपडेट, इसी प्रकार से आप लोगों को काम करना है। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।